हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस सर्किट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर को एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो फ्रेंड्स। इसे आप अपने घर पे बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। इसे बनाने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। मैं जानता हूँ फ्रेंड्स कि यूट्यूब पे इस पे ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स उन सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ कमी रह गई है फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी कमियों को बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपका स्क्रू ड्राइवर कभी भी परमानेंटली मैग्नेटिक नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। तो देख सकते हो ये मेरे पास एक नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर जिसमें मैंने अभी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, और देख सकते हो ये अभी अपने में स्क्रू को भी नहीं चिपका रहा है। तो मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, उसके बाद फिर आप देखना कि ये पूरे अच्छे से मैग्नेटिक बन जाएगा, वो भी परमानेंटली। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी कॉपर वायर की, जो कि आपको मोटर वाइंडिंग शॉप में बहुत इजीली 5-10 रुपए का मिल जाएगा। आप वायर नई भी ले सकते हो, और अगर आपके पास पुराना किसी चीज का पड़ा हुआ हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके वायर की थिकनेस मोटी या पतली हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, इसमें मोटा या पतला का कोई खास रोल नहीं है। अब मैं इसमें करीबन 2.5 फीट वायर को पूरी तरह से लपेट दूंगा। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि इसमें मैंने कितने टर्न्स लगाए, बस मैंने ये नापा था कि वायर की लंबाई जो थी वो 2.5 फीट थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि 2.5-3 फीट में कितने टर्न्स आ रहे हैं और उसे आप लगा देना। इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है फ्रेंड्स, जितने मर्जी हो आपके उतने आप लगा देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप बहुत कम टर्न्स लगाए या फिर बहुत ज्यादा टर्न्स लगा दिए। तो मैंने अब इसमें सारे वायर्स को लपेट दिया है और वायर स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से चिपके रहे, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका दूंगा। आपको इसे परमानेंटली नहीं चिपकाना है, हल्का सा ही चिपकाना ताकि आप इसे बाद में खोल भी सको। लेकिन इसे चिपकाने से पहले मैं वायर को थोड़ा सरका के इसके टिप के साइड में ले आऊंगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से टिप के साइड में बन सके। अब मैं वायर के दोनों एंड्स को थोड़ा लंबा करके इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका लूंगा ताकि इसमें मैं थोड़ा करंट भी दे सकूं। तो देख सकते हो आप, मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। अब मुझे वायर के दोनों एंड्स को छीलना है, तो मैं इसे चाकू की मदद से छील रहा हूं। आप चाहो तो रेखमाल की मदद से छील सकते हो या फिर आप लाइटर से भी छील सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप वायर को छीलना तो जानते ही होंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूं। और अगर वायर को भी छीलना नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप वायर को अपने हाथों से अपने घर पे कैसे छीले। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो फ्रेंड्स, इसे छीलने के बाद फ्रेंड्स हमारा लगभग 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कुछ स्प्रिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन ये स्प्रिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे ये टोटली डिफरेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मैं अपने चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, तो आपको जो भी वीडियो मिलेगा हमेशा रियल वीडियोस ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी तक हमारा स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक नहीं बना, लेकिन अब मैं इसमें कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसके बाद ये हमारा हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेटिक बन जाएगा। इसमें फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं कि 3.7 वोल्ट की बैटरी से इसमें थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊंगा, जिसके बाद इसमें हमेशा के लिए मैग्नेटिक पावर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें मैं जल्दी से 3.7 वोल्ट की पावर सप्लाई देता हूं और इसे थोड़ी देर के लिए ही रखना है फ्रेंड्स, लगभग 10-15 सेकंड के लिए। उसके बाद देख सकते हो ये इसे बहुत ही आराम से चिपकाने लगेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वायर ज्यादा ही छोटा हो गया था जिसकी वजह से इसमें पावर देने में नहीं बन रहा था, तो मैं इसका वायर थोड़ा सा बड़ा करके आपको वापस दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसमें दोनों टर्मिनल्स को टच करूंगा वैसे ही बहुत ही पावरफुल वाला मैग्नेटिक फील्ड बना देगा फ्रेंड्स, और ये परमानेंट मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर बन जाएगा। देखिए, मैं कुछ सेकंड के लिए इसमें टच किया हूं और ये बहुत ही अच्छे से इसको चिपका रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो छोड़कर अभी मत चल जाना। अभी मैं आपको कुछ और भी तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका ये परमानेंटली मैग्नेटिक बना रहेगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये कुछ दिन के बाद वापस अपने नॉर्मली जैसे था वैसा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे परमानेंटली मैग्नेटिक बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको वो बैटरी को वापस लेना है और लगभग 1-2 मिनट के लिए इसे लगा करके छोड़ देना है ताकि ये और भी पावरफुल वाला बन जाए और ये फिर वापस अपने शेप में वापस नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं इसे वापस बैटरी से कनेक्ट करके 1-2 मिनट के लिए लगा करके छोड़ दूंगा फ्रेंड्स, ताकि ये हमेशा के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना के रखे अपने अंदर। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसमें कोई भी वायर लगा हुआ नहीं था, तो आप चाहो तो इसके वायर्स को भी हटा सकते हो। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।